हे नमस्ते दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा टॉप 10 एक्शन कॉमेडी मूवीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिन मूवी के बारे में बात करूँगा वो कॉमेडी मूवी तो है ही हैं, लेकिन साथ में एक्शन मूवी भी हैं। तो अगर आपको कॉमेडी मूवी या फिर एक्शन मूवी देखना पसंद है तो आप इन मूवी को देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सारी की सारी मूवी काफ़ी बेस्ट हैं, आप इनमें से कोई सी भी मूवी देख सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इनमें से कोई एक मूवी डाउनलोड करके देख सकते हो, जिनको आज मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी बेस्ट है क्या नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो की 10वीं मूवी की ओर। दोस्तों, इस वीडियो की 10वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है दी अदर गाय। दोस्तों, ये मूवी 2010 में आई थी। इस मूवी में दो पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम टेरी और एलन होता है। ये इस मूवी में अपनी कॉमेडी के साथ एक केस को सॉल्व करते हैं। तो क्या उस केस को ये सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी में आपको ड्वेन जॉनसन भी देखने को मिल जाएंगे, जो WWE के रेसलर भी रह चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो की 9वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है दी ए टीम। दोस्तों, ये मूवी 2010 में आई थी। इस मूवी के कास्ट में ब्रैडली कूपर, जो कि इस मूवी में फेस की भूमिका में है। दोस्तों, इस मूवी में एक ग्रुप होता है 4 लोगों का, जो कि इराक के युद्ध में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर सबूत खोने का एक अपराध लग जाता है, जिसके चलते उनको 6 महीने के लिए अदालत को फेस करना पड़ता है। लेकिन 6 महीने बाद उस अपराध को अपने नाम के पीछे से हटाने का उनको एक चांस मिलता है। तो उस अपराध को वो हटा पाते या नहीं हटा पाते, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो की 8वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है स्पाई। दोस्तों, ये मूवी 2015 में आई थी। इस मूवी के कास्ट में जेसन स्टेथम, जो कि इस मूवी में रिक की भूमिका में है, और मेलिसा मैकार्टी, जो कि इस मूवी में सुसान कॉपर की भूमिका में है। दोस्तों, इस मूवी में सुसान कॉपर रिक के साथ मिलकर एक मिशन को पूरा करती है जासूस बनकर। अब वो इस मिशन को पूरा कर पाते या नहीं कर पाते, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो की 7वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है दी वर्ल्ड इज एंड। ये मूवी 2013 में आई थी। इस मूवी के कास्ट में साइमन पेग, जो कि इस मूवी में गैरी किंग की भूमिका में है। इस मूवी में बचपन के 5 दोस्त होते हैं जो कि 20 साल बाद दोबारा मिलते हैं अपने पब को कंप्लीट करने के लिए। उनका लास्ट पब होता है वर्ल्ड इज एंड, लेकिन उसी के साथ चलते चलते उनके सामने एक सरप्राइजिंग मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब वो कौन सी सरप्राइजिंग मुसीबत है, वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। क्योंकि 6वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है रेड। ये मूवी 2010 में आई थी। इस मूवी के कास्ट में ब्रूस विल, जो कि इस मूवी में फ्रैंक की भूमिका में है। इस मूवी में फ्रैंक एक ब्लैक सोप्स एजेंट होता है, जिसको पता चलता है कि उसे एक आदमी मारना चाहता है। अपने आप को बचाने के लिए अपनी पुरानी टीम के साथ वह उस आदमी का सामना करता है जो उसे मारना चाहता है। तो उससे वो बच पाता नहीं बच पाता, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो की 5वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है नाइस गाय। ये मूवी 2016 में आई थी। इस मूवी के कास्ट में रैन गोसलिंग, जो कि इस मूवी में हॉलैंड मार्च की भूमिका में है। दोस्तों, इस मूवी में हॉलैंड और जैक्सन साथ मिलकर एक मिसिंग गर्ल और एक पॉर्न स्टार की रहस्य मौत के बारे में पता लगाते हैं। अब वो पता लगा पाते या नहीं पाते, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो की 4वें नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है 21 जंप स्ट्रीट। ये मूवी 2012 में आई थी। इस मूवी का एक और सिक्वल है 22 जंप स्ट्रीट, जो कि 2014 में आया था। दोस्तों, 21 जंप स्ट्रीट में जेंको और सिमिट हाई स्कूल के फ्रेंड होते हैं और वो बड़े होकर पुलिस अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन हाई स्कूल में ड्रग्स ढूंढने के लिए वो दोबारा से हाई स्कूल जाते हैं बच्चे बनकर। तो वहाँ पर उनको क्या क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, वो ड्रग्स ढूंढ पाते या नहीं पाते, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो की 3रे नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है स्कॉट पिलग्रिम वीएस द वर्ल्ड। ये मूवी 2010 में आई थी। इस मूवी में स्कॉट पिलग्रिम रोमानो से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन जब वो अपने बैंड कॉम्पिटिशन में अपने एक दोस्त से मिलता है, वहाँ पर उसे पता चलता है अपने प्यार को पाने के लिए पहले उसे अपने 7 एक्सेस से निपटना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ब्री लार्सन जो कैप्टन मार्वल के नाम से जानी जाती है और क्रिस इवांस जो कैप्टन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ये दोनों आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की 2रे नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है किक एस। ये मूवी 2010 में आई थी। इस मूवी में डैम एक कॉमिक बुक का बहुत बड़ा फैन होता है और एक दिन वो सोच लेता है सुपर हीरो बनने का, जिस सुपर हीरो का नाम होता है किक एस। तो वो अच्छा सुपर हीरो बन पाता नहीं बन पाता, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी।
दोस्तों, इस वीडियो के पहले नंबर पर जो हमारी मूवी आती है उसका नाम है डेडपूल। ये मूवी 2016 में आई थी। इस मूवी का एक और सिक्वल है डेडपूल 2, जो कि 2018 में आई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी मार्वल की तरफ से प्रेजेंट की गई है। इस मूवी के कास्ट में रैन रेनॉल्ड्स, जो कि इस मूवी में वेड की भूमिका में है। इस मूवी में वेड को एक बीमारी होती है और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट से वो एक अमर और बदसूरत बन जाता है। तो जो उसके साथ ऐसा करता है उसका वो सामना करता है। तो उसका सामना वो कर पाता है नहीं कर पाता, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की टॉप 10 एक्शन कॉमेडी मूवी। होपफुली आपको ये मूवी पसंद आएंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर मूवी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।